हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का बहुत ही हेल्दी नाश्ता, वो भी एक चम्मच तेल के साथ। तो चलिए, इसी तरह की और भी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर पूरे 5 ब्रेड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस ये हमने मीडियम साइज का लिया है, आप चाहे तो इससे बड़े साइज का या फिर छोटे साइज का भी ब्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, इसे इस तरह से हमें तोड़ लेना है ब्रेड को। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो आटा ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत ही हेल्दी होता है। अब सारे हमने तोड़कर रख लिए हैं इस तरह से। उसके बाद एक मिक्सर जार ले लेंगे हम, और इसमें हम डालेंगे दही। दही बिल्कुल खट्टी नहीं है, एकदम फ्रेश दही है, तो फ्रेश दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ। उसके बाद 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, और इसमें लेंगे हम भुना हुआ जीरा का पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जीरा को तवे पर भून लीजिएगा, उसके बाद इसका पाउडर बना के डाल दीजिएगा। अब चलिए, इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से ढक्कन लगाकर इसे हम मिक्सी को चला लेंगे। तो चलिए, इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, दही बिल्कुल अच्छे से फेट चुका है। इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। अब ये जो भी नाश्ता बनाएंगे ना, उसके साथ ये खाएंगे, बहुत मज़े का लगेगा। इसमें एकदम मतलब दही के साथ पूरी फ्लेवर के साथ हरा धनिया जो डाला है ना, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ऊपर से जीरा पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप चाहे तो इसे किसी और भी चटनी के साथ बना सकते हैं। अब चलिए, उसी मिक्सर में मैंने यहाँ पर ब्रेड डाल रही हूँ। तो सारे ब्रेड को हम रख लेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा दही बाद में ऐड करेंगे, इसलिए मैंने दही वाला मिक्सर इस्तेमाल किया है। चलिए, सारे हमने इस तरह से डाल दिए हैं। अब हम इसमें लेंगे सूजी। सूजी बिल्कुल बारीक वाली है, ठीक है, तो आप इसकी जगह पर ना मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/2 कप हमने सूजी ले लिया है, और बिल्कुल इसी माप से हम इसमें लेंगे दही, 1/2 कप सूजी और 1/2 कप दही। देखिए, इस तरह से डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हल्की खट्टी दही भी ले सकते हैं। अब यहाँ 3 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़कर डाला है, आप चाहे तो मात्रा बढ़ा लीजिए या फिर स्किप पूरी तरह से कर सकते हैं, लेकिन देंगे तो नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तीखा बिल्कुल ज़्यादा होगा नहीं। अब चलिए, इसमें हम डाल देंगे दही वाले बर्तन से ही पानी डाल लेंगे, 1/4 कप ही डाला है, लेकिन पहले कम ही डालेंगे, बाद में और डालकर इसे इस तरह से बैटर तैयार कर लेंगे। जितना पानी लगे उतना थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा, एक ही बार मत डाल दीजिएगा, नहीं तो बैटर जो है पतला हो जाएगा। एकदम बारीक सा पीस लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। बॉल में निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर, बारीक कटा हुआ इस तरह से। आप चॉप मत कीजिएगा, चॉप में ज़्यादा पानी छोड़ देगा ना, तो इसलिए इस तरह से कट करके डालिएगा। 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है हमने, ये भी डाल दिया है। और उसके बाद हम इसमें लेंगे जीरा, ये कच्चा जीरा है, 1/2 चम्मच लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में इससे, तो आप इसे ज़रूर डालें। साथ में नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे, और यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी हरा धनिया, और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब देखिए, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, हमने सिंपल चीज़ों से बनाया है। आप चाहे तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक करके, आप गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, गोभी, बिल्कुल बारीक बारीक करके आप डाल सकते हैं, जो भी सब्जियां पसंद हो ना हेल्दी, वो भी बच्चों के लिए बना रहे हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं तो और भी सब्जियां डालकर इसमें बना सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने चला लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा। देखिए, मीठा सोडा आपको इस तरह से लेना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना है, इस तरह से भर चुटकी लेंगे, 2 चुटकी भर भर के 2 चुटकी ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ना इनो भी डाल सकते हैं, और इनो अगर डालेंगे तो 1/2 पैकेट डाल दीजिएगा, छोटा वाला जो पैकेट आता है।
बस इस तरह से अब मिक्स कीजिए, एक ही डायरेक्शन में आपको मिक्स कर देना है। और ध्यान देना है कि जब मिक्स कर लेना तो नाश्ते को तुरंत ही बनाना है, मतलब लास्ट में ही आप मीठा सोडा ऐड कीजिएगा। अब चलिए बनाने के लिए यहाँ पर हमने नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉनस्टिक में है कि बहुत अच्छे से बनेगा। एक चम्मच हमने तेल डाल दिया है, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, जब गर्म हो जाए तेल तो इस तरह से फैला देंगे, क्योंकि एक ही जगह पैन में आ जाता है तेल, अच्छे से फैला दीजिए जितने में नाश्ता आप डालना चाहते हैं, बैटर आप डालेंगे जिसमें। ये देखिए अब इस तरह से बैटर स्पैचुला से डालेंगे, डालने से पहले एक बार अच्छे से चला लीजिएगा और दो तीन स्पैचुला करके इस तरह से डाल दीजिएगा। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा डालिएगा एक स्पैचुला। यहाँ पर हम पूरे जितना में पैन कवर करता है ना उतना में डाल देंगे, और इस तरह से चार स्पैचुला हमने डाल दिया है, अच्छे से फैला दिया है। इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, और इसे ढक देंगे और ढक कर एकदम लो आंच पर दो तीन मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ खोल कर देखेंगे, पहले तो आपको चेक करना है कि अच्छे से नीचे सिक चुका है या नहीं, आप तुरंत से मत पलट दीजिएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है, हम इसे पलट सकते हैं। तो पलटने के लिए बड़ा स्पैचुला का यूज़ कीजिएगा, छोटे स्पैचुला से अभी नहीं पलट पाएगा क्योंकि हमने बड़ा नाश्ता बनाया है ना। देखिए इस तरह से अब छोटा छोटा बनाते हैं ना ये नाश्ता, तो आराम से छोटे स्पैचुला से भी पलट जाएगा। देखिए इस तरह से, और उधर से कितना अच्छा कलर आया है ना। आप चाहे तो और भी थोड़ा सा साइड साइड से तेल डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, नॉनस्टिक पैन है तो अच्छे से इतने में ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हमें फिर से ढक देना है बस एक मिनट के लिए, और ये देखिए एक मिनट मैंने ढक दिया है, और इसे फिर से उसी तरह से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये एकदम क्रिस्प कर लिया है हमने नाश्ता, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अच्छे से क्रिस्प करके बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अब देखिए दूसरा भी उसी तरह से करना है, तेल उसमें डाल देना है और इसी तरह से स्पैचुला से सारा बैटर जो है फैला देना है, और उसके बाद इसे कवर करके उसी तरह से सेम जैसे मैंने पहले वाला बताया उसी तरह से बनाना है आपको। तो चलिए इसे हम पकने देते हैं और यहाँ पर जो नाश्ता बनाया है उसे दिखा देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में जो ये दही, जो हमने फ्लेवरफुल वाली दही बनाई है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ खाने में। आपको दही नहीं पसंद है तो आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं इसे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।